हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले देख लिया था कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, क्या कार्य प्रणाली है उसकी, और किस प्रकार से उस पर वाइंडिंग सेट करते कोरों पर, और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे उनके भागों को गौर से कि किस प्रकार उसके भाग होते हैं और क्या क्या उनके अंदर और किस प्रकार से उनको प्रयोग में लिया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पर एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जैसे चलते हैं आगे की तरफ, भागों को देख लेते हैं इसके कि किस तरीके से इसके भाग है और क्या क्या उनका यूज मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को देखने से पहले आप पहली वाली अगर वीडियो नहीं देखें तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उनसे रिलेटेड है। जैसे अभी इसके अंदर आएगी कोर आएगी और वाइंडिंग आएगी, तो वो पिछली वीडियो से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे, तो एक बार पहले उन वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके वीडियो को देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो फ्रेंड, चालू करते हैं ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन करना। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब इसमें बहुत से पुर्जे लगे हुए हैं, बहुत से पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं किस प्रकार से कौन सा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रांसफार्मर के हम जो भाग देखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। कोर होगी हमारे पास, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी जो हमने पहले भी देख ली थी, आयल टैंक होगा ट्रांसफार्मर, आयल कौन सा आयल इसके अंदर यूज लेते हैं, यहाँ पे होगा हमारा कूलिंग पाइप, और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं इसके, लगभग 10-11 पॉइंट्स, बाकी के पॉइंट्स हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो पहले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं हम, कोर की तरफ क्या होती है। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, कुछ कोर इस प्रकार होती है। जो कोर होती है हमारी वो सिलिकन स्टील से बनी हुई होती है और ये बहुत पत्तीनुमा होती है, हर पत्ती के बीच में लेमिनेटेड होता है, ताकि अगर ये इसलिए होता है फ्रेंड्स लेमिनेटेड, क्योंकि अगर हम इसे लेमिनेटेड नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेमिनेटेड नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे हिस्टेरेसिस हानि होगी, वो बढ़ जाएगी, और अगर हम इसे पत्ती नुमा नहीं लेंगे तो हमारे एडी क्षति होगी, एडी धारा क्षति होगी, वो यहाँ पे हमारे बढ़ जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे करूं, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसकी मोटाई क्या है और इसमें सिलिकन की मात्रा है वो कितनी मिलाई जाती है। तो जिसकी मोटाई है वो होती है 0.35 से 0.48 तक या 4.5 तक भी इसकी क्या होती है, एमएम में मोटाई होती है, और इसके अंदर सिलिकन की जो मात्रा होती है वो होती है हमारे 3.5% से लेके 4.8% तक। यहाँ पे क्या मिलाते हैं, इसके अंदर सिलिकन की मात्रा मिलाते हैं। तो ये हो गई हमारे पास कोर। फ्रेंड्स, जो ये आप देख रहे हो ये हमारे पास होती है सिंगल फेज के लिए कोर। यहां आप देख पा रहे हो ये हमारे क्या होती है, सिंगल फेज के लिए कोर होती है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी वाइंडिंग, प्राइमरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सिंगल फेज की, वो इसके ऊपर हम इंसुलेटेड करके और इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे आउटपुट और इनपुट के लिए तार निकल रहे हैं। यहां पे हमारे पास ये आप कोर देख रहे हैं, ये हो गई हमारे पास थ्री फेज की कोर। थ्री फेज की किस प्रकार हो गई, एक साइड में यहां पे हम करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और उसके अगली तरफ करेंगे सेकेंड वाइंडिंग, पर तीन आप देख रहे हो तो इसपे तीन वाइंडिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक तीन प्राइमरी हो जाएगी और तीन सेकेंडरी। तो ये किसके लिए हो जाएगी हमारे पास, थ्री फेज के लिए। अगली आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल फेज वाइंडिंग आ गई हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो वाइंडिंग है हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ है प्राइमरी और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी, किसकी, सिंगल फेज की है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हमारे पास कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। ये सिंगल फेज की बात हो गई और यहां पे हम बात करने वाले थ्री फेज की। इस प्रकार हम यहाँ पे थ्री फेज की भी वाइंडिंग कोर पे करते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। अगला हम देख लेते हैं टॉपिक हमारा जो है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर हम इस कोर को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं और बात करेंगे अभी ऑयल की और टैंक की, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं अगली इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे होंगे ये बॉक्स सा बना हुआ है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर का टैंक। इस टैंक
टैंक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इस टैंक के अंदर हमारी जो वाइंडिंग होती है वो स्थापित करके और इस टैंक को ऑयल से फुलफिल कर दिया जाता है ताकि ताकि हमारी वाइंडिंग जब वर्किंग करे तो वाइंडिंग गर्म होने से जले नहीं और उसको जो ऑयल है वो क्या करता रहे, कूलेंट यानी ठंडा करता रहे। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सील पैक बनाते हैं और वाइंडिंग इसके अंदर स्थापित करके और इसके अंदर क्या भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं। ये हमारे पास हो गए बड़े ट्रांसफार्मर हो गए। यहां पे हम ऑयल की बात कर रहे थे, यहां पे आपको अलग अलग ऑयल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट यहाँ जो ऑयल का कलर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जो हमारे को काई से मिलता है खनिज से या सिंथेटिक जो ऑयल होता है हमारे पास वो यहाँ पे होता है इस कलर का होता है फ्रेंड्स। जैसे जैसे ऑयल जलता रहता है, जलने से मतलब है कि गर्म होके खराब होता रहता है, तो उसका कलर कुछ इस प्रकार से बदलता रहता है। ये हमारे पास ओरिजिनल ऑयल है और ये हमारे पास खराब ऑयल है। खराब होने के बाद ऑयल कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यहां आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास जो यहां दिख रही है आपको पत्तियां सी पत्तियां, ये हमारे पास होती है कूलेंट। ये आपको ऑयल के बारे में बताई दिया मैंने, ये ऐसा ऑयल होता है खराब होने के बाद कुछ इस प्रकार का हो जाता है। आपको यहां पे दिख रही होगी कूलेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब कूलेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑयल अंदर हमारा गर्म होता रहता है, तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो ऐसा ऑयल गर्म होने के बाद ऐसा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा गर्म होता जाएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, जल भी सकता है। तो उस ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होता है, कूलेंट बने हुए होते हैं। ये कुछ पाइप इस प्रकार के होते हैं कि इनके अंदर से हवा पास होती रहे और ऑयल इनके अंदर चलता रहता है, जिससे गर्म ऑयल चलता रहता है, हवा से क्या होता है ठंडा होता रहता है और बाकी वापस कहीं में जाता रहता है, टैंक के अंदर जाता रहता है। ये हमारे पास हो गए छोटे ट्रांसफार्मर की बात हो गई यहाँ पे, और बड़े ट्रांसफार्मर की बात कर ले। ये देखिए ये छोटे ट्रांसफार्मर की बात हो गई और यहाँ पे हम बात करेंगे बड़े ट्रांसफार्मर पे। छोटे ट्रांसफार्मर में तो नेचुरली हवा से ठंडे होते रहते हैं, बट बड़े ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा होने के कारण वहां पे ये क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है हमारा वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। उस कारण हम यहाँ क्या करते हैं, ब्लोअर लगा देते हैं। ब्लोअर क्या होता है फ्रेंड कि ऐसे एक प्रकार के पंखे होते हैं जो कि ठंडी हवा को किस पे डालते हैं, ट्रांसफार्मर जो अभी आपने देखी थी वो पत्तियां देखी थी उन पत्तियों पे डालते रहते ताकि वहां से ठंडी हवा पड़ के जल्दी से हमारा ऑयल क्या होता है ठंडा हो जाए। उसके बाद हम देख लेंगे ये आप कुछ वॉल देख पा रहे हो, ये वॉल क्या होता है, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इनलेट होता है एक आउटलेट होता है। इनलेट आउटलेट क्या होता है, इनलेट के थ्रू हम ट्रांसफार्मर ऑयल को अंदर डालते हैं और आउटलेट के थ्रू हमारे जो वेस्ट या जो हमारा खराब ऑयल हो जाता है, ट्रांसफार्मर खराब ऑयल हो जाता है, उसको हम इस वाल्व के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो वो किस प्रकार होता है वो आप अभी देख लीजिएगा। ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा है आउटलेट वाल्व और जस्ट नीचे की तरफ होता है पीछे की साइड वो होता है, ये होता है इनलेट वाल्व और आप नीचे देखोगे वो होता है हमारे आउटलेट वाल्व। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार होता है जिसमें नीचे से तो हम क्या होता है खराब ऑयल को या जो खराब ऑयल हो जाता है जल जाता है उस ऑयल को निकालते हैं और ऊपर वाले वॉल्व से इनलेट वॉल्व से इसमें नया ऑयल डालते रहते हैं। यहां देख रहे होगा आप ये होता है ऑयल गेज। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंजर्वेटर होता है अभी आप देखेंगे मैं बताऊंगा वो कंजर्वेटर क्या होता है, वो टैंक के अंदर ये क्या होता है लगा हुआ होता है। इस ये जो हमारा ऑयल गेज है ये बताता है कि हमारे टैंक के अंदर कितनी तेल की क्षमता है, मतलब कितना तेल का लेवल बना हुआ है उसके अंदर, अभी तक तेल कम तो नहीं हुआ या तेल ओवरफ्लो यानी कि ज्यादा तो नहीं हुआ, उसको बताने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, हमारा ऑयल गेज लगा हुआ होता है। ये देखिए फ्रेंड ये होता है हमारा कंजर्वेटर और इस कंजर्वेटर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लग रहा है हमारा ये ऑयल गेज। ये कंजर्वेटर क्या काम आता है, कंजर्वेटर हमारे क्या काम आता है कि ट्रांसफार्मर टैंक जो मेन टैंक होता है, जो ये मेन टैंक होता है नीचे उसके ऊपर लगा हुआ होता है कंजर्वेटर। इस टैंक में तो हम ऑयल भरते ही है, इस टैंक में ऑयल भरते ही है प्लस इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है ऑयल भरा हुआ होता है, पर ये हाफ लेवल तक ही भरता है, फुल लेवल तक इसको नहीं भरते। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल हमारा क्या है बाइंडिंग जैसे वर्क करती रहेगी तो हमारा ऑयल गर्म होता जाएगा और उसका जो फैलाव है वो बढ़ता जाएगा, तो उस फैलाव को फैलाव बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है फैलाव बढ़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर की साइज भी बढ़ जाएगी, तो
उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे अलग से एक टैंक लगाते हैं जिसको कंजर्वेटिव टैंक बोलते हैं। इसमें ठंडा ऑयल होता है और इस आधा इसलिए फिल करते ताकि फैलाव जैसे बढ़े तो नीचे का जो ऑयल है हल्का बहुत वो क्या चल जाए इसके अंदर चल जाए ताकि इसका लेवल क्या रहे बना हुआ रहे, रोटेशन होता रहता है फ्रेंड्स। ये कुछ इस प्रकार से इनमें कूलेंट में जाता रहता है और इधर से जो ठंडा ऑयल है वो आता रहता है। इसी के अंदर बता दिया मैंने आपको कि इसके अंदर वो लगा हुआ रहता है, हमारे गेज लगा हुआ रहता है, ऑयल गेज लगा हुआ होता है। ये हमारा संपूर्ण क्या होता है ट्रांसफार्मर का होता है फ्रेंड्स। जैसे ये काली करती रहती है तो हमारा ऑयल जो है अंदर गर्म होता रहता है तो वो इनके थ्रू क्या होता है गर्म ऑयल जाता रहता है ठंडा होके इन पत्तियों के माध्यम से ठंडा होके आता रहता है और कंजर्वेटर में भी यहाँ पे क्या होता है ऑयल भरा रहता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर ऑयल की मात्रा कम होती जाती है तो कंजर्वेटर के थ्रू इसके अंदर क्या होती है ऑयल आता रहता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टर्मिनल्स की। टर्मिनल्स किसके कितने प्रकार के, यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं दो प्रकार के। हमारे पास यहाँ टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ऐसा तो नहीं कि हम जो इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित करेंगे तो उनके तार जो है वो डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, ऐसा होगा तो हम बार बार उसके तारों पे कनेक्शन करेंगे तो वाइंडिंग से तार उखड़ के बाहर भी आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं फिक्स यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं अंदर से वाइंडिंग के और बाहर से कोई भी हम यहाँ पे जो सप्लाई लगाएंगे और लेंगे उसके लिए हम यहाँ पे दो टर्मिनल लगा देते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में देंगे और सेकेंडरी से बाहर ले लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि हमारे पास अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अर्थिंग क्यों होना जरूरी है कि अगर बारिश के टाइम पे ट्रांसफार्मर गीला होता है, यहाँ पे आप देखो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं वो बाहर खुले में लगे हुए रहते हैं तो बारिश के टाइम पे करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनसे बचने के लिए और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो अप डाउन होती रहती है उससे भी बचने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम अर्थिंग करते हैं। दो तरह की अर्थिंग यहाँ पे करेंगे, एक तो न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं और एक यहाँ पे बॉडी अर्थिंग करते हैं। तो न्यूट्रल अर्थिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जहां पे हम स्टार कनेक्शन बनाते हैं वहां पॉइंट से हम यहाँ पे एक न्यूट्रल अर्थिंग कर देते हैं और एक बॉडी से कहीं पे भी बॉडी के टच करके ग्राउंड कर देते हैं। कुछ बड़े ट्रांसफार्मर इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अर्थिंग कुछ ये न्यूट्रल अर्थिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये हमारे बात कर लेते हैं डाटा प्लेट की। डाटा प्लेट क्या होता है, तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितनी क्षमता के केवीए में कितनी क्षमता के आते हैं और अंदर जो वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या है वो कितनी क्या है, कितनी वोल्टेज कितने वाटेज, सब जो हमारा डाटा होता है वो इस प्रकार लिखा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर पे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। और आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके आगे के टॉपिक्स लेके, तब तक के लिए थैंक यू।